हेलो गाइस, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 13 पे हम कॉन्टैक्ट पोस्टर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दो तीन पोस्टर्स यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। इसकी फुल डिटेल वीडियो होने वाली है आईफोन 13 पे, और ये पोस्टर्स जो हैं वो कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे आप इन्हें डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोन कॉल की एप्लीकेशन को ओपन करना है, और यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को ओपन करना है जिसको आप उसका पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हो। तो मैं अपने कॉन्टैक्ट कार्ड का पोस्टर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिंपली एडिट के बटन पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको फिर से एडिट के ऊपर टैप करना है, और यहाँ पर आपको प्लस के बटन पे टैप करके आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट पोस्टर्स का। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो को अगर सेट करना है तो फोटोज़ के सेक्शन पे टैप करना है, अगर आपको मीमोजी ऐड करने हैं तो आपको मीमोजी के ऊपर टैप करना है, अगर आपको यहाँ पर मोनोग्राफ्स ऐड करने हैं जैसे कि अकेले टेक्स्ट आपको चाहिए तो मोनोग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बताऊँगा फ़ोटोज़ को कैसे सेटअप करना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ के सेक्शन पे टैप करना है, और यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है जिसको आप सेटअप करना चाहते हो अपने कॉन्टैक्ट पोस्टर में। तो यहाँ पर मैं अपने इस पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ अपने कॉन्टैक्ट पोस्टर में। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको सबसे पहले टेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेम टू सेम लॉक स्क्रीन का जो फीचर है वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके कॉन्टैक्ट पोस्टर्स में। तो यहाँ पर आप स्लाइडर को यूज़ करके अपने जो टेक्स्ट हैं उसको थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आपको कलर्स की चेंजिंग की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो भी कलर्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। आपको यहाँ पर पिकर की ऑप्शन देखने को मिलती है, अगर आपको फ़ोटो में से कोई कलर पिक करना है तो आपको इस पिकर को यूज़ करना है अपने अपने कॉन्टैक्ट पोस्टर्स में। तो यहाँ पर आपको क्रॉस के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर जैसे स्वाइप करते जाओगे आपके जो पोस्टर्स के फिल्टर्स हैं वो यहाँ पर चेंज होते जाएंगे। आपको बहुत से फिल्टर्स यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं कॉन्टैक्ट पोस्टर्स में, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको कलर को चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पर टैप करो, और यहाँ पर आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। अगर आपको मान लो कि रेड कलर चाहिए तो रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, जौन से भी कलर्स आपको पसंद हैं वो आप यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये जो कलर है बहुत ही बढ़िया है, तो आपको इसे सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको डन के बटन पर टैप करना है, और इस तरह से आपकी जो फ़ोटो का कॉन्टैक्ट पोस्टर है वो रेडी हो जाता है। और यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप करना है, और यहाँ पर फिर से आपको कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है, तो आपका जो कॉन्टैक्ट पोस्टर है आपके यहाँ पर सेव हो जाता है। अब बात करते हैं मोनोग्राफ्स को कैसे ऐड करना है। प्लस के बटन पे टैप करो, और यहाँ पर आपको मोनोग्राफ्स के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको कलर चेंजिंग की ऑप्शन देखने को मिलती है, यहाँ से आप कोई भी मनपसंद का कलर ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये कलर यहाँ पर बढ़िया है। तो यहाँ पर सेम टू सेम वही फॉन्ट्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से। अगर आपको इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा करना है तो थिकनेस को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको कलर्स को चेंज करना है तो यहाँ पर आप इसके फॉन्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये जो कलर है यहाँ पर कुछ इस तरह से काम करते हैं। उसके बाद आपको क्रॉस पे टैप करना है, और यहाँ पर आपको डन पे टैप कर देना है, और आपका जो प्रीव्यू है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। मोनोग्राफ में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है आपके कॉन्टैक्ट पोस्टर्स में। अब आपको इसे सेव करने के लिए सिंपली कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है, फिर से कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप करो, और आपका कॉन्टैक्ट पोस्टर यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब बात करते हैं आप यहाँ पर मीमोजी कैसे सेटअप कर सकते हो। मीमोजी के सेक्शन पर टैप करना है, अपना मीमोजी जो भी आपने क्रिएट करा है उसके ऊपर टैप करो, और यहाँ पर आप यहाँ से कोई भी मीमोजी सेटअप कर सकते हो, जैसे कि इस वाले मीमोजी को मैं यहाँ पर सेटअप करना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर टैप करो, और यहाँ पर आपको कलर चेंजिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आप अपने कलर्स को चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि ये कलर यहाँ पर बढ़िया है तो इसके फॉन्ट का कलर भी थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है, तो रेड कलर यहाँ पर विजिबल रहेगा इस ग्रीन कलर के ऊपर। तो यहाँ पर इसका जो फॉन्ट का थिकनेस है वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से।
उसके बाद यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट पोस्टर है बिमोजी के साथ रेडी हो चुका है। डेप्थ इफेक्ट को ऑन ऑफ करने के लिए ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा जाता है, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया है वो ऑन ही रखें, तो इसको और भी बढ़िया इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ब्लरी इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको डन पे टैप कर देना है। तो ऐसे आप अपने मेमोजेस के पोस्टर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो और अपनी फ़ोटोज़ के पोस्टर्स को भी क्रिएट कर सकते हो iOS 17 के नए अपडेट में। इसको सेव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर डन पे टैप कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आपके कॉन्टैक्ट पोस्टर्स आपके आईफोन पे काम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।